समय की बात है जब भारत फिरंगियों के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वार्थी नीतियों के कारण अंग्रेजी हुकूमत के प्रति भारतीयों में पहले ही नफरत थी। फिर एक दिन सेना की पंगाल इकाई में एनफील्ड P-53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता। ऐसे में ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया, जो कि हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए गंभीर धार्मिक विषय था। तब हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ और आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद 9 फरवरी 1857 को जब ये कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया, तब एक ब्राह्मण सैनिक ने विद्रोह जता दिया। इसके बाद गुस्साए अंग्रेजी अफसर ने उसके हथियार छीन लेने और वर्दी उतरवाने का आदेश दिया, जिसे मानने से सैनिक ने इनकार कर दिया और राइफल छीनने आगे बढ़ रहे अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूज और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट पॉप पर आक्रमण किया और दोनों को मौत की घाट उतार दिया। और इस तरह आज के दिन 166 साल पहले यानी 29 मार्च 1857 को इस ब्राह्मण ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। ये थे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, जिन्हें आजादी की लड़ाई के अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इस घटना को 1857 का कदर नाम दिया गया। इस घटना के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। मंगल पांडे अंग्रेजों की सजा में मौत नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सीने में ही गोली चला दी। लेकिन इस मृत्यु से उनकी मृत्यु नहीं हुई और उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। उन्हें 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन उनका डर अंग्रेजों में इस कदर था कि 10 दिन पूर्व ही यानी 8 अप्रैल सन 1857 को ही मंगल पांडे को आज की तारीख के शहीद मंगल पांडे महान ध्यान में फांसी दी गई थी। मंगल पांडे द्वारा किया गया यह विद्रोह ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह के बाद राज्य करने का अंग्रेजों का सपना उन्हें कमजोर होता दिखाई दिया। मंगल पांडे आजादी के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने भी फांसी देने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे ही पहले क्रांतिकारी जिसने मारो फिरंगी को कनारा दिया था। एक वो दिन था जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और एक आज का दिन। तारीख वही है, देशभक्ति वही, सब कुछ वही है। एक चीज जो बदली वो है हवा, जिसमें अब आजादी है भारत के वीर पुत्रों के कारण, जिन्होंने इस आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इंडिया फॉर चिल्ड्रन, आज के दिन जब आजादी की आग भड़की थी, उसी दिन मंगल पांडे को याद करता है और उनके देश के प्रति समर्पण को नमन करता है।